बीदर के बगदल शरीफ में स्थित दरगाह हजरत सैयद अब्दुल कादर शाह वली गंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी का 3 दिवसीय 466वां वार्षिक उर्से शरीफ समारोह शुक्रवार 19 मई 2023 से शुरू हुआ और रविवार 21 मई 2023 तक जारी रहेगा। शुक्रवार 19 मई को असर की नमाज के बाद संदल मुबारक का जुलूस बड़ी धूमधाम के साथ कादरिया मंजिल मोहल्ला गढ़ी बगदल से निकला और बगदल के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए फतेहगढ़ से होता हुआ आस्ताना कादरिया पहुंचा। दरगाह हजरत सैयद अब्दुल कादर शाह वलीगंज सवाईगंज बख्श बादशाह नागौरी को विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। इस जुलूस संदल शरीफ में न सिर्फ बगदल बल्कि बीदर जिला और देश के विभिन्न इलाकों से आए अकीदतमंदों यानी भक्तों ने भाग लिया, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। इनके अलावा नागौर शरीफ और श्रीलंका से भी श्रद्धालु इस उर्स समारोह में उपस्थित रहे। संदल मुबारक का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया, पटाखे फोड़े गए और विभिन्न तरीकों से आतिशबाजी की गई। इस जुलूस संदल में शाह खलीफा डॉ मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली ने बगही में बैठकर इसमें शामिल रहे और सभी प्रशंसकों का अभिवादन किया। इस अवसर पर घोड़े के करतब दिखाए गए। इस अवसर पर पुलिस का भी सख्त बंदोबस्त किया गया था, यानी कि पुलिस के द्वारा सख्त तैयारी यहां पर की गई थी। ये जुलूस संदल शरीफ देर रात को दरगाह पहुंचा, जहां पर ईशा की नमाज के बाद शाह खलीफा डॉ मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली ने सभी उलमा व मशाइकीन और भक्तों की उपस्थिति में संदल चढ़ाया। उसके बाद फैजाने गौसे आजम दस्तगीर के शीर्षक पर जलसा आयोजित किया गया और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उर्स समारोह के संदल के अवसर पर शाह खलीफा डॉ मोहम्मद इदरीस अहमद कादरी बगदली ने मीडिया से बात करते हुए इस उर्स के संबंध में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस उर्स शरीफ में देश के सभी इलाकों से श्रद्धालु उपस्थित हैं। साथ ही नागौर शरीफ से हजरत सैयद अब्दुल कादर शाह वली के वंशजों के लोग भी उपस्थित रहे और श्रीलंका से भी लोग इस उर्स में आए हैं। उन्होंने सभी लोगों का और पुलिस विभाग और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद किया। साथ ही देश में अमन और शांति की दुआ की। आज शनिवार 20 मई को गौसे आजम दस्तगीर की नियाज शरीफ के बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तबर्रुक वितरण किए गए और आज शाम को चिरागा होंगे और ईशा की नमाज के बाद फैजान ओलिया का जलसा होगा। इसके बाद कव्वाली कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के प्रसिद्ध कव्वाल भाग लेंगे और कलाम सुनाएंगे। रविवार 21 मई को फजर की नमाज के बाद खात्मे कुरान और फातिहा होगी। इस तरह ये 3 दिवसीय उर्स समारोह संपन्न होगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा की खास रिपोर्ट। रहमतुल्लाह बरकात हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आज 19 में बवक्त ईशा के बाद हज़रत कादर वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी का उल्स का जलसा अमल में आया और संदल माली की रस्म अंजाम पाई। उलमा मशाख की मौजूदगी में और तमाम पब्लिक की मौजूदगी में उर्स संदल का काम प्रोग्राम अंजाम पाया और सभी भी शिरकत रहे और नागौर शरीफ के से हजरत अज औलाद हजरत कादर वली के औलाद में से भी तशरीफ़ लाए हैं और श्रीलंका से भी तशरीफ़ लाए हैं और हमारे भारत के हर स्टेट के लोग भी इस उर्स में शरीक हुए हैं। मैं इन तमाम और हर ज़िले हर स्टेट के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब उर्स में शिरकत कर किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको अजर अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे देश में अमन रखे और तरक्की अता फरमाए और कामयाबी की राह अता फरमाए और देश अमन में रहते हुए और तरक्की करते हुए सब में प्यार मोहब्बत की लहरें दौड़ाते हुए आगे बढ़े और हम सब वो प्यार से रहे, वो मोहब्बत से रहे। अल्लाह ताला हम सबको उसकी हिदायत दे और सूफियों की तालीम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको खुश रखे। अस्सलाम अलैकुम। और हमारे तमाम मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने भी शिरकत करके ये करें और महकमा पुलिस के तमाम अहदेदार और तमाम भी
बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम किए, अल्लाह ताला इनको इनके अहदे में तरक्की अता फरमाए और इनको भी तरक्की कर दे, अल्लाह हर काम में कामयाबी अता फरमाए और हम सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। और तमाम डिपार्टमेंट तमाम सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे, जो भी शिरकत किए हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इकबाल अहमद मेमन, मैं रहने वाला बॉम्बे से हूँ और मैं इस दरबार में आज 25 से 30 साल से आ रहा हूँ और इनकी दुआओं के फजल करम से, इनकी ब्लेसिंग की वजह से सब कुछ मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है और मेरी फैमिली को और मेरे को और ये जितने भी मुरीदीन इधर आते हैं बड़े यकीदे से आते हैं और इनसे कुछ कुछ दुआएं भी लेके जाते हैं और हम लोग मिलजुल के रहने के लिए बहुत पसंद करते हैं। और इस दर पे मैंने देखा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब लोग इस दर पर आते हैं, इधर कोई रुकावट नहीं और कोई रिकॉर्ड नहीं और हम लोग बहुत खुशी से रहना चाहते हैं और इनकी दुआएँ इनका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद से हम लोग पल रहे हैं और हम पलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुंबई में मैं पवई लेक के पास ईरान दानी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर रहता हूँ। मेरा नाम इकबाल अहमद मेमन है। मैं सरकार खादर अली गंज साहिब आशाई नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की शरीफ के मौके पर सरकार हजरत सैयद खादर अली के रहमतुल्लाहि अलैह के इस अज़ीम शान उर्स में, जिसकी निगरानी डॉक्टर शाह खलीफा अलहाज इदरीस अहमद खादरी साहब फरमा रहे हैं, यकीनन अल्लाह का जो वली का जो उर्स होता है ये दिलों को जोड़ने का होता है, मोहब्बत के पैगाम को एक दूसरे से मिलाने का होता है और ये जो उर्स है यकीनन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में प्रेम का जो है उजागर करता है और ये जो अवलील्ला के आस्थाने होते हैं ये जो है हर मज़हब का आदमी इसमें आता है और जब तक उर्स में लोग जुड़े रहते थे हमारे मुल्क में अमन सलामती सुकून था। आज हजरत डॉक्टर शाह खलीफा अलहाज इदरीस अहमद खादरी साहब जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हर धर्म का आदमी आता है, इसलिए कि आज हमारे सोफिया का जो तरीक़ा रहा, एक बात बताकर बात ख़त्म करूँ, मेरे आका गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक किसान सोफिया किसान आया, आकर कहा महाराज मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं रोटी बना लाया हूँ। तो हज़रत गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो जो है रोज़े से थे, जब रोज़े से आप थे तो वहाँ पर जो है जब रोज़े से थे तो रोज़े से रहने की वजह से आप रोज़े को तोड़ दिया और उस किसान के साथ खाना खाए। अब खाना खाने के बाद मुरीदी ने कहा हजरत आप रोज़ा तोड़ दिए, रोज़ा तोड़ दिए, तो आपने कहा कि मैं रोज़ा तोड़ सकता हूँ किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। ये आपकी तालीमात हैं, सोफिया ग्राम दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं तमाम को चाहता हूं कि जो है नफ़रतों को ख़त्म करें, करोना हमारे दरमियान आके चला गया, मौत कभी भी आ सकती है, लिहाजा अपनी आखिरत को बेहतर करना है, स्वर्ग में जाना है, अमन चाहिए शांति चाहिए तो आप सोफिया के तरीक़े पर दरगाह वालों के तरीक़े पर रहें और ये मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। ये बगदल की सरजमीन से आज ये पैगाम जा रहा है सारी दुनिया को कि मोहब्बत से रहें, प्रेम से रहें, इस एक दूसरे से जो है मोहब्बत से रहें। नफरत करने वाला मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, प्रेम करने वाला मुल्क सुपर पावर अमेरिका बन सकता है। आज हमको आपको चाहिए कि मोहब्बत से रहें। जज़ाकअल्लाह। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती।